नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं न्यूज 24 से। लगातार समस्याओं को लेकर बिहार सरकार के तमाम मंत्री क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में सिवान में पहुंचे हुए हैं जनक राम जी, जो बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री है। उनसे सीधे तौर पर जानते हैं कि सिवान में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। सर, क्या रहा मुख्य? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सिवान के आम आवाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आने का मकसद यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव में भारी मतों से जनता ने अपार स्नेह प्यार दे करके विजया लक्ष्मी जी को सांसद बनाया और सांसद बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर। तो जनता को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और विभाग जो मेरे कंधे पर सरकार ने दिया है, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी NDA के शासन में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, इसमें अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल चल रहा है, बच्चे और बच्चियों को रहने के लिए छात्रावास चल रहा है। ये छात्रावास में सरकार ने मानक के अनुरूप रहने के लिए बेड बिस्तर के पैसा मिल रहा है, आवासीय व्यवस्था हो रहा है, खाने का, भोजन का, नाश्ता का सारे सरकार प्रबंध कर रही है। लेकिन औचक निरीक्षण करने के बाद ये दिख रहा है कि घोर अनियमितता, जिनकी जवाबदेही है कि स्वच्छ और मानक हिसाब से भोजन और नाश्ता देना है, शायद वो मानक के अनुरूप भोजन और नाश्ता नहीं मिल रहा। सर, आप तो ये मानते होंगे कि जो भी व्यवस्थाएं सरकार देती हैं, अगर वो पूर्णतः जनता के पास या जो भी लाभुक है उनके पास पहुंचने लगे तो ये जो बदनामी सरकार की हो जाती है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सीधे अधिकारियों से आप बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई, आपने देखे अभी। लेकिन जो लोग लाभुक हैं उनसे बात करने से और फायदा होगा, क्या आप लोगों ने लाभुकों से बात किया? हाँ जी, इस मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। इस पहलू पर हमने आया कि सीधे मैं छात्र और छात्रा से बात हो रही है। अब हमने वहाँ के प्रिंसिपल को, संबंधित अधिकारी BW DW को निर्देशित किया है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में PTM के माध्यम से पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है, तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्रा के पेरेंट्स मीटिंग आप बुलाइए और जो डेट सुनिश्चित आप करेंगे उसमें आप सरकार को प्रदेश स्तर पे आप सूचना करेंगे। उस डेट पे खुद स्वयं मंत्री भी आ सकते हैं, संबंधित अन्य पदाधिकारी भी आ सकते हैं और सीधे वहाँ के जो छात्र और छात्रा हो उसके माता पिता से हम लोग बात करेंगे और जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोग प्रयास। परसों भी सर छपरा में आपने एक बैठक की थी और काफ़ी सम्मानजनक वो बैठक थी, लोगों ने काफ़ी सराहा उस तरह की बैठक को। उस तरह के कार्यक्रम को लेकर सिवान में क्या आप? सिवान जिले में 308 सृजित पद विकास मित्रों का है। कल जो बैठकें हमने बुलाई थी उसमें 301 विकास मित्र उपस्थित थे, 5 विकास मित्र का पद खाली रह गया, रिक्त पड़ा हुआ, उसको तत्काल पूरा करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है, कार्यवाही उस पर प्रारंभ है। जल्द से जल्द वो भी पद जो रिक्त है सृजित कर दिया जाएगा और बाकी उन लोगों के द्वारा जो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को उनके घरों तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत ऐसे लाभार्थी को लाभ तो मिला है लेकिन सर्वाधिक लोग अभी कहीं ना कहीं उससे वंचित रह गया। जैसे जहाँ 100 परिवार रहता हो, 500 आबादी हो, उतने आबादी पर विभाग के द्वारा एक सामुदायिक वर्कशीट देना है 29,66,000 रुपये का, तो 301 विकास मित्रों के जगह पे लगभग 50 से 60 ही प्रस्तावित सामुदायिक वर्कशीट दिखा। मैंने त्वरित उस पर कार्रवाई करने के लिए दिया कि आप जल्द से जल्द जो मानक पूरा कर रहा है उस मानक के हिसाब से सामुदायिक वर्कशीट वहाँ जाए, प्रस्ताव आप भेजिए, सरकार पैसा देने के लिए बनाने के लिए तैयार। दूसरी बात कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में, प्रखंड में 50,000 अनुसूचित जाति का पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पर अनुसूचित जाति के बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने के लिए एक विद्यालय देना, तो हमने अधिकारी को निर्देशित किया। सरकार के द्वारा यह आदेश है कि जो अगर मानक पूरा कर रहा है जिस कंस्टिट्यूएंसी में, प्रखंड में 50,000 अनुसूचित जाति का पॉपुलेशन है, तो उस पर हम स्कूल 720 आसन को देने के लिए तैयार है, तो वो भी अधिकारी को निर्देशित किया गया। एक चीज देखने को हमेशा मिलता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार लागू करती है उस व्यवस्था को फुलफिल करने में जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो काफी पैसा
गमन कर देते हैं, जो व्यवस्था सही से नहीं पहुंच पाती है, या यूं सीधे से तो कहें कि भ्रष्टाचार बढ़ जाती है। तो अधिकारियों की गलती सीधे सीधे सुननी पड़ती है कि मंत्रियों ने पैसा ले लिया, कम कर दिया। तो इसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए क्या खास करें? देखिए, तो मानते होंगे कि भ्रष्टाचार है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने स्पष्ट कहा है कि जिनके कंधे पर जवाबदेही है वहाँ जीविका के माध्यम से, वहाँ उनके वरीय डीपीएम बनाए गए हैं, डीपीएम के माध्यम से भोजन, रख रखाव, साफ सफाई सारे उनकी जवाबदेही है। लेकिन साफ सफाई की वहाँ लापरवाही देखी गई, भोजन में भी कटौती की जा रही है। जैसे हमने चर्चा किया कल के मीनू में, हमने बालिकावासी विद्यालय को जब औचक निरीक्षण किया तो नूडल्स देना था शाम के नाश्ते में, लेकिन चाउमिन बन रहा था। हमने पूछा गलती को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ये सिर्फ कह देने से गलती हमने स्वीकार नहीं किया, हमने DWO को निर्देशित किया कि इनके ऊपर निश्चित कटौती का, विभागीय कार्रवाई का आप लिखें। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप भी तैयार रहें और विभागीय आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये कार्रवाई लगातार जिन लोगों ने गलती कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सस्पेंशन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हट रही है। सस्पेंड होना, विभागीय कार्रवाई होना, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। जो भी लापरवाही करेगा उसको सस्पेंड करते हैं, विभागीय कार्रवाई करते हैं। कई ऐसे अधिकारी तो बिहार में विभाग के बर्खास्त भी किए गए हैं। तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। गरीब कमजोर बच्चे के जो मानक बिहार के राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी ने उन कमजोर बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उस अवसर को अगर कोई बाधित करता है, रोकने का प्रयास करता है, तो वह दलित विरोधी होता है, पिछड़ा विरोधी होता है, गरीब विरोधी होता है। जो सरकार मानक दिया है वो मानक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। आप ये मानते हैं कि जब तक आप रहेंगे भ्रष्टाचार नहीं? बिल्कुल, मैं नहीं, हमारा नेता नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट है। ये सुशासन जी की सरकार में तो बहुत सारे भ्रष्टाचार भी अभी पुल देख रहे हैं कि खेतों के बीच लगातार, ये कानून है, उसके लिए कानून बनाया गया है और कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मेरा भी कहीं ना कहीं कानूनी जब कार्रवाई होती है तो शायद कोई कितना बड़ा अधिकारी पदाधिकारी क्यों ना हो, वो कानून के दायरे में जब आते हैं तो उनकी परेशानियां बढ़ती हैं, उनकी नौकरी भी जाती है। तो लगता है कि कानून अपना काम करता है और कानून के दायरे में मुझे भी रह करके जो गलती करते हैं उनके ऊपर दंडित कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। सर एक चीज़ और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सवाल है, ये है कि नीतीश जी पे लगातार ये दबाव बन रहे हैं जो महागठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि चाचा फिर हमारे साथ आके मिल जाएंगे, फिर हम सरकार बनाएंगे। और शायद उसी का देन है कि हिना शाह को बुलाया गया और मीटिंग कर उन्हें मिलाने की कोशिश की, मतलब अल्पसंख्यक नेताओं को और अल्पसंख्यक लोगों को अपने साथ करने की कोशिश, कितना प्रभाव पड़े? लकीर के फकीर बने हुए हैं बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशासन के नाम से जाने जाते हैं। सीएम भी कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए, चुनाव तो होना ही है, लोकतांत्रिक ये राज्य है, देश है, तो समय समय से चुनाव तो होता ही है। और मुझे लगता है कि चुनाव में तो जनता समय समय से जवाब भी देती है। महागठबंधन के लोगों ने जो सपना देख रहे हैं तो सपना तो जनता पूरा करती है, अधूरा रखती है। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लंबी लंबी बात करने वाले महागठबंधन के लोगों ने, जनता ने सपना जो देख दिखाई, अब भविष्य में कभी ऐसे ये लोग लंबी लंबी बात नहीं करेंगे। बहुत जनता को इन लोगों ने गुमराह करके परिवारवाद को आगे बढ़ाया, वंशवाद को आगे बढ़ाया है। बात करते हैं आगड़ा पिछड़ा की, बात करते हैं दलित पिछड़ा की, लेकिन जब सत्ता में महागठबंधन के लोग आते हैं वो दिल्ली की या बिहार की, ये लोग अपने परिवार के बाहर ही लोग जाते ही नहीं। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ये लोग मजाक बनाते हैं, मजाक समझते हैं। बिहार की जनता अभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है, इसीलिए NDA को, सुशासन को, विकास को बिहार की जनता हो या देश की जनता हो पसंद करती है। क्या गारंटी है कि नीतीश जी फिर से नहीं पलटेंगे और आगामी चुनाव में वो फिर महागठबंधन के साथ? आपने देखा होगा वो सदन के अंदर और सदन के बाहर किस तरह से बखूबी महागठबंधन के नेताओं के ऊपर बोलते हैं कि जब जब ये मेरे साथ आते हैं राज को लूटने का ये लोग काम करते हैं। तो शायद व्यक्ति कोई हो, नीतीश कुमार जी राज के मुखिया, हम सबके नेता, कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, लुटेरे को, लाठीबाज को, गोलीबाज को। कभी भी नीतीश कुमार जी इसका पक्षधर नहीं रहे हैं, वो सुशासन पसंद मुख्यमंत्री है और राज्य के जनता सुशासन और पसंद नीतीश कुमार को करती है, NDA को करती है। इसलिए स्पष्ट है जितना खाली पुलाव पकाना हो महागठबंधन को, सपना देखना है। ये तो पहले भी बोलते, मुझे लगता है कि ये जनता का जनादेश मिलता है और कभी जनता के जनादेश को
माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हम सब उसको पालन करते हैं समय समय से, जो ऐसे आपने कहा तो ये जनता ने तय करती है लोकतांत्रिक तरीके से, जिसके पक्ष में मत ज्यादा होता है उस सरकार के। पिछले 4-5 महीने से बिहार में अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए क्या खास मीटिंग व्यवस्थाएं इन सब चीजों को लागू करने की कुछ व्यवस्था की? आपने देखा होगा राज्य स्तर पे डीजीपी से लेकर के जिला के समस्त अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटरिंग करते रहते हैं। पहले जो सरकार थी उसमें गैंगवार होता था, नरसंहार होता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये शब्द खत्म हो गया है। थोड़ा सा समस्या है जमीनी विवाद को लेकर के, आप देखा होंगे जहाँ भी छोटे मोटे क्राइम हो रहा है, इस क्राइम को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जमीनी विवाद से आपसी भाईचारा को बिगाड़ करके लोगों ने इस तरह का कदम उठा लेते हैं, लेकिन कानूनी उस पर भी कार्रवाई होती है, जेल की सलाखों में सरकार डालती है। थोड़ा सा कमियां जो जहां रह गई है, सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने स्तर से रिव्यू करते रहते हैं और सरकार के द्वारा निर्देशित होते रहता है, उसमें भी जो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसिया महकमे काम नहीं करते हैं उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री जनक जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब भ्रष्टता बिल्कुल इनके विभाग में नहीं होगी और साथ ही साथ पूरे बिहार के जो भी विभाग है उन जगहों पे भ्रष्टता को रोकने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बिहार में जो बढ़ रहे अपराध हैं उस मुद्दे पे भी हम लोगों ने बात किया, उससे भी कहा कि उन्होंने इस पे मुख्यमंत्री खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिहार की सत्ता की भी बात हम लोगों ने की है और इस बार इन्होंने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार नहीं बदलेंगे। सिवान से न्यूज 24 के लिए आप